रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का जो भीलवाड़ा से आ रही है। पूर्व विधायक गायत्री देवी ने कहा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष के सामने नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं है, मिट्टी के समान है। लोकतंत्र के पर्व में अब शहर में चुनावी रौनक नजर आने लग गई, चुनावी सभाओं की शुरुआत भी होने लग गई। कांग्रेस के प्रत्याशी बनने के बाद आज पहली बार भीलवाड़ा आने पर डॉक्टर सीपी जोशी का कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस के महासचिव धीरज गुर्जर सहित कई दिग्गज नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गरम जोशी से स्वागत किया। जोशी ने कार्यालय में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिर शुरू हुआ भाषणों का दौर, एक के बाद एक नेता मंच से अपने विचार रख रहे थे। इसी बीच सहाड़ा रायपुर की पूर्व विधायक गायत्री देवी ने जोशीले अंदाज में अपने उद्बोधन में कहा, और ये बता दो नरेंद्र मोदी को कि तू क्या हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है और मिट्टी के सम्मान है। उसके बाद पूर्व मंत्री रामलाल जाट, AICC के महासचिव धीरज गुर्जर ने भी अपने विचार रखे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने पिछले कार्यकाल में हुई उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा। वह कहा कि इस बार बेरोजगारी दूर करने का मुद्दा प्राथमिकता से रहेगा, साथ ही पिछले 10 साल के भाजपा के कार्यकाल को भी जमकर कोसा। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके कारण आज अखिल भारतीय कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला करवाया। भाई कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और नागद्वारा विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक नहीं चुन सका, तब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़ाने का फैसला किया और आप सबके सहयोग से, आप सबकी हिम्मत से, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कुछ चीजों को जनता के बीच में ले जाने का काम करता है, मैं यहाँ पर सांसद बन सका। तो मेरी राजनीतिक जो दोबारा वापस शुरू हुई उसमें बहुत बड़ा योगदान भीलवाड़ा के कांग्रेसजनों का।